महीने में देखते हैं। 86 भाई, थोड़ा गियर में लेट हो गया मैं भाई, चीर जाएगी वो। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे एवलन ड्राइगर पे। तो भाई उम्मीद आप सब बढ़िया होगे। तो भाई आज आपके लिए ड्राइव वीडियो लेके आया हूँ। तो ये है भाई अपनी नेक्सोन, टाटा नेक्सोन, टाटा वर्सेस आज हुंडई होगा। ये है आपकी हुंडई क्रेटा, इसमें आता है 113 BHP और 115 न्यूटन मीटर का टॉर्क, और इसमें आपको मिलता है 108 BHP, 170 न्यूटन मीटर का टॉर्क। बाकी देखो टॉर्क में ये ज़्यादा है, BHP में ये ज़्यादा है, बाकी भगा के देखेंगे। बाकी इसमें कोई मोड्स नहीं आते, इसमें तुम्हें तीन मोड मिल जाते हैं, सिटी, इको एंड स्पोर्ट्स। की बात करोगे तो नेक्सोन में मिलता है आपको 1.2 लीटर का टर्बो चार्जर, नेचुरल एस्पिरेटेड नहीं है, और क्रेटा में मिलता है भाई नेचुरल एस्पिरेटेड 1.5 CC। तो भाई इसको स्पोर्ट्स मोड में चला के देखेंगे, क्योंकि नॉर्मल में चलाने का मेरे हिसाब से कुछ फायदा नहीं होगा। चलो जैसे भी होगा देख लेंगे। बाकी दोनों ही आपकी मैनुअल है भाई, ये भी मैनुअल है, ये करीब चली हुई 6,500-7,000 किलोमीटर, और ये भाई बिल्कुल नहीं है, ये दो मेरे ख्याल 1,000-2,000 किलोमीटर चली होगी। बाकी भाई फ्रंट लुक चेक कर लो। बाकी भाई इसमें नॉर्मल व्हील लगे हुए हैं, ठीक है, इसमें आपके आफ्टर मार्केट एलॉय लगे हुए हैं, मतलब इसके टायर शायद भी हैं, ठीक है। बाकी भाई फ्रंट लुक देख लो, ऐसा कुछ ऐसे देखने को मिलती है गाड़ी। बाकी भाई भाई ने टिंटेड ग्लास है भाई, हम टिंटेड ग्लास को प्रमोट नहीं करते कोई भी हम में से, ठीक है। बाकी भाई ये है थोड़ा धूप हो गया कि वजह से करवाया हुआ, जिसने भी करवाया भाई हम नहीं प्रमोट करते वीडियो में, और ये वीडियो में दिख जाती है तो भाई दिख गई, इसलिए बता दिया। क्या लगता है फिर भाई, क्या बताऊँ, इंजन का तो खैर उसका छोटा है नेक्सोन का, बाकी BHP और टॉर्क की बात करें तो टॉर्क में वो ज़्यादा है, और BHP में 5-6 का फर्क है बस। हल्की भी है मेरे हिसाब से नेक्सोन क्रेटा के मुकाबले, थोड़ी सी हल्की होगी भाई, 50 या 100 किलो तक मेरे हिसाब से कम होगा, ज़्यादा होगा इसे मेरे हिसाब से तो नेक्सोन निकलनी चाहिए भाई। स्पोर्ट्स मोड है, इसका इंजन छोटा है 1.2, इसका इंजन बड़ा है, और बाकी वेट में भी कम है, वो वेट में ज़्यादा है, क्या पता बट इको में चलाने का मेरे हिसाब से फायदा नहीं होगा, या तो फिर सिटी पे चलानी पड़ेगी या तो स्पोर्ट्स पे चलानी पड़ेगी, तीनों में देख लेंगे। क्या लगता है चूचू, क्रेटा ही लगती है वैसे तो मेरे को, बट एक शायद कुछ हो जाए पता नहीं है, आर्मी गाड़ी है तो कुछ भी हो सकता है, मतलब समझ रहे हो, ठीक है। राउंड स्टार्ट कर रहे हैं, ये है हमारी इकोनॉमी ड्राइव मोड, सिटी मोड पे देख लो भाई, ड्राइव मोड, ठीक है मैडम ने बोल दिया सिटी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, ठीक है। ये भी मैनुअल है, दोनों का AC ऑफ है, भाई का भी AC ऑफ है, उसमें कोई मोड मार्ड आते नहीं है, तो ठीक है भाई पहले राउंड को करते हैं स्टार्ट। ट्रैक्शन आता है इसमें भैया? ट्रैक्शन नहीं आता इसमें, बाकी ये चीज पता नहीं किस चीज का, ट्रैक्शन नहीं आता। राउंड स्टार्ट हो रहा है अपना, भाई बहुत रोल हुई, मतलब इनिशियल पे ये रोल हुई भी आ रहे हैं, वाह आगे निकल गई, ये तो सिटी में ही क्रेटा से, नहीं यार पावर तो है, पे पार कर दिया, गाड़ी आ रही है यार, गाड़ी आ गई सामने से, ये गाड़ी पे मतलब इस राउंड की विनर्स, मतलब हाँ ये नेक्स्ट वन रहती है, कोई इसमें वो नहीं है भाई, दोनों बढ़िया उठी हैं, दोनों सही उठी है भाई, पहले भाई दूसरे में उसने भी थोड़ा जान दिखाई, बढ़िया भाई, या भाई तीसरा, अब आई भाई लगने के बाद आई है वो 100 पे क्रॉस भाई, मिड में तो खा रही है, लेकिन मिड में खा रही है भाई, मैं तो सोचा स्टार्टिंग में खाएगी, ब्रेक ले लिया भाई, ब्रेक ले, सेकंड राउंड में जा रहा है, सिटी में ही रहेगी अपनी मोड, तो सिटी रहेगा और बस AC ऑन है, ठीक है भाई AC ऑन, तीन ओरन पे स्टार्ट होने वाला है, भाई इसमें इनिशियली लैग आता तो है, AC में लैग तो आया भैया, महसूस हो रहा है ना, बट ये जाएगी तीसरे में, तीसरे में देखते हैं। 86 भाई, थोड़ा गियर में लेट हो गया मैं भाई, चीर जाएगी वो भाई, आ रही पकड़ ली 116-119 भाई, 126 पे पार, 130 पे पार, 130 पे पार कर दी भाई क्रेटा को, ले गई भाई, ये ट्रैक के भी विनर है, ट्रैक की नहीं कह सकते, मतलब लॉन्ग रन में तो ले जाएगी ये, है ना, दोनों साथ उठी है भाई, दोनों साथ भाई, इनिशियल में भाई, इनिशियल में क्रेटा चली जाती है, नेक्सोन में लैग है, नेक्सोन में पहले दूसरे में लैग है, इस बार तो तीसरे में भी नहीं आ पाई, कैसे आ गई, आ गई, ये आ गई भाई, आने तो लग रही है, अब आ रही है, ये आए भाई, निकल 116-120 तो निकल गई, ये तो फाड़ती जा रही है, फिर 125 पे निकल, एक ले लिए भाई,
इस राउंड में नेक्सोन का एसी ऑफ है, स्पोर्ट्स मोड ऑन है, मतलब फुल जितनी पोटेंशियल है उसकी वो पूरे पोटेंशियल से चलेगी। हमारा एसी ऑफ है, बाकी इसमें कुछ मोड नहीं है, मोड आते नहीं है, ठीक है भाई, अपनी स्ट्रोक चलेगी। बाकी तुम्हारा भाई तुम्हें पता है लॉन्च कितनी तगड़ी करता है, तो कुछ फर्क उसका भी होगा। चलो भाई स्टार्ट करते हैं, चलो 1 2 3 ले गई इनिशियली तो ये गिर देंगे भैंस के पूंछ से बोर्ड तो। और अब बहुत लैग आ गया यार, अभी तो कार है ही गाड़ी कितनी गाड़ी हो गया है भाई 103 और भाई ये तो एक तो पूरे चार पांच कम चार गाड़ी हो गया है कम से कम भाई, चार साढ़े चार गाड़ियों का पांच गाड़ी का गैप है। नहीं, ये तो थोड़ी वो ही है इनिशियली तो भाई स्पोर्ट्स मोड है। रुक जा भाई, उठिए नहीं उनसे, इसका तो आरपीएम भी लॉक है। अरे रेस से पांव हट गया फिसल के, कोई अरे चल कोई नहीं, मैं रेडी हूं स्पोर्ट्स मोड पे हूं मैं। ठीक है दोनों भाई साथ ही उठी, पर इसमें पहले दूसरे पे लैग है ना, ना नहीं जाने देगी यार ये तो, बहुत दूसरे पे भी लैग था इसमें तो, बहुत जबरदस्त लैग, खड़ी रुक की थी तो नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। इतना इतना लैग कैसे ले रही है, बहुत लैग ले रही है, मिड में पकड़ना चाहिए भाई स्पोर्ट्स में तो, ये और अब तो नहीं 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 अब नहीं पकड़ी, स्पोर्ट्स में भी लैग ले रही है भाई, इको में तो ले रही थी चल ठीक है भाई, 140 तक दिखने ही नहीं दे रही है भाई, भाई देते को देंगे अब कर रोलिंग रोलिंग करके देखते इस बार चौथा हाँ। एक राउंड और कर ले, ये तो खड़ी रुक जाती है पहले दूसरे पे तो व्हील स्पिन लेगी ना, उसके बाद आरपीएम पूरा नीचे जाएगा, उसके बाद दोबारा उठेगा जब भगती है, ये तो चलती नहीं है वही, ऐसा लगता है खड़ी होगी रेस ही छोड़ दी, एकदम झटका ले रही है बहुत, फिर ऊपर गया आरपीएम दोबारा छोड़ देती है। हाँ बाकी आरपीएम लॉक कोई नहीं, अब क्या करना है रोलिंग करनी है क्या, आप चला के देखो एक बार नेक्सोन स्पोर्ट्स में, मैं क्रेटा चला लेता हूं बीच छोड़ा के देखो, ट्रैक कर रही है भाई ठीक है। थर्ड राउंड में तो बहुत तगड़ा गैप दे दिया भाई नेक्सोन को, ठीक है भाई तो फोर्थ राउंड में अब ड्राइवर चेंज कर रही है, इसका जो फर्स्ट सेकंड गियर का है ना लैग थोड़ा ज्यादा है यार, थर्ड गियर में जो है ये खींच लेती है, अपना फोर्थ राउंड है, अपना ड्राइवर चेंज कर दिया है, सेम सेटिंग है ठीक है। तो ये भाई अपना चौथा राउंड ठीक है, इसमें भाई स्पोर्ट्स मोड पे लगी हुई है, सिटी पे चली गई है बंदो, स्पोर्ट्स ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, तो भाई आंटी ने कह दिया स्पोर्ट्स ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, तो भाई स्पोर्ट्स मोड एक्टिवेट हो चुका है ठीक है। बाकी भाई में वही एसी ऑफ है दोनों गाड़ियों का, वो भी फुल पोटेंशियल पे चलेगी, फुल पोटेंशियल पे चलेगी, बाकी इसको करते स्टार्ट, बाकी अब बात लैग ओरे यार लैग आ गया सेकंड गियर पे, दूसरा गियर लगा नहीं सही में नहीं लगा, पर ले रही है ले रही है, 107 109 पकड़ रही है, पकड़ रही है धीरे धीरे, 125 भाई 130 पे ले गई, 135 137 भाई पकड़ ली भाई, चीर दिया इसको 140 पे चीर दिया भाई, आगे निकल गई आगे निकल गई भाई बल्ले भैया कहाँ चले गए यार भाई, भाई ये इनिशियली नहीं ले पाएगी, इनिशियली नहीं जा रही है, दूसरा गियर ढक गया था, 1 2 3 तो ये वो मेरे हिसाब से लेट नहीं उठी लैग ही था उसका शायद, तो भाई देख सकते हो नेक्सोन अभी पीछे ही है, तीसरा लग गया, अब निकल देगी, करेगी तो कवर अप कर सकती है, नहीं आ रही भाई अब नहीं करेगी, आ रही है भाई, आ रही है, निकल आ रही है, बहुत धीरे आ रही है, आ रही है पर आ रही है, नहीं नहीं इतने में तो जीत गए ट्रैक तो जीत गए, आ गई देख आ गई, बेशक आ गई यार इतने में ट्रैक तो जीत गए, जीत गए पर वो देखो मिड में गई, हाँ अब निकल गई, लेकिन इसमें खींच गई, अब ट्रैक तो अपनी जीत ही गई है, वाला ये बाइट रख दे कांच लगेगा, एसी ऑफ ना, हां एसी ऑफ ठीक है। तो भाई ये फिफ्थ राउंड है, एसी ऑफ है, स्पोर्ट्स मोड में चलेगा, और भाई इस बार रोलिंग करेंगे क्योंकि पहले इसको बोल लेंगे फिर मैं बोलूंगा, तो भाई ये मैडम ने बोल दिया स्पोर्ट्स ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, तो भाई हो चुका एक्टिवेटेड, बाकी अब क्या करेंगे रोलिंग करेंगे यार, पहले दूसरे में बहुत लैग आ रहा है, फिर मुझे गियर लगाने में दिक्कत हो रही है, मतलब अटक गया था पिछली बार भी, तुम देखोगे एक तो टाटा के गियर हार्ड होते हैं ठीक है, तो फिर कट हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, तो भाई 40 सेकंड गियर से रोलिंग मारेंगे, फर्स्ट गियर से नहीं मारेंगे क्योंकि फर्स्ट और सेकंड में लैग आ रहा है, सेकंड से मार देंगे ठीक है, सेकंड गियर में फुट की स्पीड पे ठीक है, फास्टन ड्राइवर सीट बेल्ट, अनिल बराबर स्टार्ट होगी रोलिंग, रोलिंग में तो नहीं ले पाएगी भाई, रोलिंग में तो इसने कर दिया काम, 80 पार चली गई थी, बाकी गैप बताऊं तुम्हें
डेढ़ हो गया, डेढ़ 129 पीछे ये शीशे में देखा पीछे ही है। दो गाड़ियों का गैप हो गया आराम से, 140 ये ना आने दे भाई, अब 144 149 होगी रेस खत्म। तो भाई बात करें तुम्हारे ड्रैग की, तो ड्रैग में तुम्हारी देखो क्रेटा भी ना रहते, छोटे में 400 मीटर तक आगे नहीं जान देती है। उसका कारण ही ये क्योंकि भाई नेक्सोन में तुम्हारा ये जो है ना नेक्सोन, ये तुम्हारा पहले दूसरे गियर में लग गया। पहले गियर में क्या होता है ये व्हील स्पिन मार लेती है, बट जब गाड़ी चलनी स्टार्ट होती है ना दोबारा आरपीएम नीचे आता है, फिर पूरा कांटा ऊपर उठता है। दूसरे गियर में भी बिल्कुल नीचे से लेती है, ऊपर से नहीं उठाती इतने, बट जहां तीसरे गियर जाता है ना फिर ये पोटेंशियल में नो डाउट एनी डे तुम्हारी नेक्सोन विनर है पोटेंशियल में। बाकी ड्रैग में तो भाई तुम्हारी क्रेटा विनर रहती है, बाकी पोटेंशियल की बात करोगे तो नेक्सोन विनर है। तीसरे गियर में एक बार जब मेरा गियर भी मिसमैच हो गया था तो भी ये 140 पे पार हो गई थी। तो भाई ये ड्रैग की बात करोगे 300-400 मीटर की तो क्रेटा, और लॉन्ग की बात करोगे तो नेक्सोन भाई पार रही है। स्पोर्ट्स में भी हो तो सिटी में ही लेगी, सिटी में ही लेगी थी हां, तो स्पोर्ट्स की बात नहीं। बाकी भाई टाटा की गाड़ी यार सबको ही पता है यूट्यूब पे इसका यही हल्ला है। हाँ। एक तो भाई पहला, दूसरा गियर इसका बहुत ही मतलब भी कितना है ऐसे झटका ले रही है जबकि ट्रैक्शन नहीं है इसमें, ट्रैक्शन नहीं है फिर भी है, पता नहीं पावर कट ऐसा का भी इशू लग रहा है भाई, ब्रेक का लग रहा है, ब्रेक नहीं लग रहे। बाकी तो कुछ डिफेक्ट हो सकता है और बाकी भाई ड्रैग में तो अपनी क्रेटा जीत रही है। चलो ठीक भाई, इस वीडियो को यहीं कर देते हैं। तो भाई तुम्हें बढ़िया लगा हो तो देख लो क्या करना है।